हेलो एवरीवन, एपिसोड के शुरुआत में लव बहुत ही गुस्से में मेंसो से बाहर निकलता है और वह कहता है कि एक बटलर को नेकेड होना पड़ता है। सिंह लव को रोकने के लिए उसके पीछे आता है तो लव सिंह से कहता है, मैं यहाँ पर बटलर नहीं बन सकता। सिंह कहता है, लेकिन ये यहाँ का रूल है, हमें नेकेड होना ही पड़ता है। लव कहता है, ये यहाँ का बहुत बकवास रूल है। सिंह कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया, लेकिन वो लोग अपने रूल को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लव कहता है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मैं घर जा रहा हूँ। और यह कहकर लव जाने लगता है तो सिंह लव का हाथ पकड़ लेता है और तभी लव की नज़र सिंह के हाथ के लॉकेट पर पड़ती है और वह कहता है, ये लॉकेट? सिंह कहता है, ये मिस्टर थोड़ का है। लव उस लॉकेट को देखकर फॉर्चून टेलर के पास सोचने लगता है। सिंह कहता है, क्या हुआ लव? लव कहता है, कुछ नहीं। सिंह कहता है, तो क्या तुम अंदर चल रहे हो? लव सोचने लगता है, मुझे अभी तक अपना सोलमेट नहीं मिला तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? और फिर वह सिंह से कहता है, मेरा रूम कहाँ पर है? तो सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ। दूसरी तरफ मैंसर के तीनों प्रिंस म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। थोर म्यूजिक प्ले कर रहा था और दोनों भाई म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पास सिंह और लव आ जाते हैं। थोर लव से कहता है, क्या तुम अभी तक अपना सामान लेकर नहीं गए? तभी सिंह कहता है, आई एम सॉरी सर, हम लोग अभी जा रहे हैं। थार वो बस लव की तरफ ही देखे जा रहा था। लव भी थार की तरफ देखने लगता है। तभी सिंह लव को बुलाकर लेकर चला जाता है और फिर वह उसे बटलर हाउस लेकर आता है। उस घर को देखकर लव सोचने लगता है, वाओ, ये कितना ज़्यादा सुंदर है। सिंह लव से कहता है, तुम जाकर कुछ देर आराम कर लो क्योंकि आफ्टरनून में हमें मास्टर्स के लिए स्नैक्स प्रिपेयर करने। तो लव वो कहता है और फिर अपने रूम आ जाता है और उस रूम को देखकर लव सोचने लगता है, क्या ये बेडरूम ही है? ये कितना ज़्यादा सुंदर है और कितना ज़्यादा लग्जूरियस है। और फिर लव अपने उस नेकलेस को देखने लग जाता है और कहता है, क्या फॉर्चून टेलर सच कह रही थी? और फिर वह मुस्कुराने लगता है और तभी वहाँ पर वी आ जाता है। गाइस, वी का रियल नेम थेप है तो अब से मैं वी को थेप ही कहूँगी। थेप लव से कहता है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या कोई कंपटीशन चल रहा है कि किसके दांत सबसे ज़्यादा वाइट है? तो लव मुस्कुराना बंद कर देता है। थेप लव को उसका सामान देता है और कहता है, तुम ये भूल आए थे। तो लव थेप को थैंक यू कहता है। थेप लव को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और फिर लव की तरफ देख कर कहता है, क्या तुम सच में सरोन बटलर के ही भाई हो? तो लव हाँ कहता है। थेप कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा हैंडसम होंगी। तो लव थेप को थैंक यू कहता है और कहता है, आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। थेप लव को थैंक यू कहता है और कहता है, जब भी तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। मैं हमेशा ही घर पर रहता हूँ, इसीलिए मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, तो तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो। और तभी लव की नज़र थेप के गले के लॉकेट पर पड़ती है और वह सोचने लगता है, ये लॉकेट तो लॉक शेप में है, तो क्या मेरी की इस लॉक को अनलॉक कर देगी? लव को इस तरीके से देखता हुआ देखकर थेप लव से कहता है, तुम क्या देख रहे हो? लव अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और कहता है, कुछ नहीं। और तभी लव के पास मॉम का कॉल आ जाता है तो थेप लव से कहता है, जब तुम फ्री हो जाओ तो मेरे रूम में चले आना। लव हूँ कहता है और फिर वह मॉम का कॉल अटेंड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, लव थोर के पास कॉफ़ी लेकर जाता है तो थोर लव से कहता है, क्या तुम्हें बटलर सरोन ने नहीं बताया कि मेरे रूम में आने से पहले तुम्हें डोर को 3 बार नॉक करना होगा, इसलिए प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो लव वहाँ से चला जाता है और फिर से डोर को 3 बार नॉक करके अंदर आ जाता है। तभी थोर फिर से लव से कहता है, क्या तुम्हें बटलर सरोन ने नहीं बताया कि जब भी तुम्हें मेरे रूम में आना है उससे पहले तुम्हें मुझसे मेरी परमिशन लेनी होगी? लव कहता है, ओके सर। थोर लव से कहता है, जब तक तुम यहाँ हो तो सब कुछ समझ लेना क्योंकि तुम्हें इस घर के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही होगा। लव हाँ कहता है। दूसरी तरफ थार अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। लव वहाँ से गुजर रहा था और वह थार को प्रैक्टिस करते हुए देखकर उसी की तरफ देखने लग जाता है। और जब थार की नज़र लव पर पड़ती है तो लव अपनी नज़रें चुराने लगता है। थार लव को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, मेरे लिए पानी लेकर आओ और मुझे कोल्ड वाटर चाहिए और वो भी बिना ग्लास के क्योंकि मुझे पानी बोतल में पीना ज़्यादा पसंद है। तो लव थार के लिए बोतल में पानी लेकर आता है।
लव बहुत ही जल्दी पानी लेकर आ गया था। तो थार सोचने लगता है, ये तो बहुत ही जल्दी आ गया। लव ट्रे को टेबल पर रखता है और फिर थार से कहता है, मिस्टर। तभी थार कहता है, थार, मेरा नाम थार है। तो लव हूँ कहता है और फिर थार पानी पीने लगता है। और थार को इस तरीके से पानी पीता हुआ देखकर लव तो अपनी नज़रें ही नहीं हटा पाता और वह सोचने लगता है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है और ये पानी पीते हुए तो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। और जब थार लव को इस तरीके से घूरता हुआ देखता है तो वह कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? लव कहता है, कुछ नहीं सर, आई एम सॉरी। और फिर से लव के पास मैम का कॉल आ जाता है। लव कॉल अटेंड करने लगता है तो थार लव के पास जाता है और उसे उसके वेस्ट से पकड़ कर उसके नज़दीक जाकर कहता है, तुम इस घर में फ़ोन यूज नहीं कर सकते। थार के इस तरीके से नज़दीक आने की वजह से लव के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। तो थार को वह सॉरी कहता है और वहाँ से भाग जाता है। थार कहता है, क्या वह मुझसे झगड़ा करना चाहता था या फिर वह मुझसे प्यार करने लगा है? नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिंह लव को डिनर टेबल तैयार करना सिखा रहा था और वह उससे कहता है, तुम्हें ये काम बहुत जल्द सीखना होगा। और जब डिनर टेबल तैयार हो जाती है तो फिर सिंह बेल रिंग करता है और बेल की आवाज़ सुनकर तीनों प्रिंस डिनर के लिए आ जाते हैं। थोर लव से कहता है, तुम्हें भी सरोन की तरह इस घर की देखभाल करनी होगी। तो लव हाँ कहता है। थीव लव से कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। तो थोर थीव की तरफ देखने लग जाता है और तभी लव का फ़ोन रिंग करने लग जाता है। थोर कहता है, ये किसका फ़ोन रिंग कर रहा है? सिंह लव से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना फ़ोन यूज़ नहीं करना है। लव को बचाने के लिए थार लव से फ़ोन ले लेता है और फिर थोर से कहता है, वो मेरा फ़ोन रिंग कर रहा था। थोर थार से कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है डिनर के टाइम पर फ़ोन लेकर नहीं आना है, लेकिन फिर भी तुम लेकर आ गई। तो थार थोड़ी सी माफ़ी मांगता है लेकिन थोर तो गुस्सा हो चुका था तो वह वहाँ से उठकर चला जाता है। थेप भी थार के पीछे पीछे चला जाता है। उनके जाने के बाद लव थार से माफ़ी मांगता है। थार सिंह से इशारों ही इशारों में वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन सिंह वो बात समझ नहीं पाता। तो थार फिर से सिंह को इशारों में वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो सिंह वहाँ से चला जाता है और सिंह के जाने के बाद थार लव से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना इस घर में तुम फ़ोन यूज नहीं कर सकते। लव थार से सॉरी कहता है और कहता है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। और यह कहकर वह फ़ोन लेने लगता है लेकिन थार फ़ोन नहीं देता। लेकिन आखिरकार फिर लव फ़ोन ले ही लेता है और वहाँ से चला जाता है। लव के जाने के बाद थार उस हाथ को देखने लगता है जो लव ने छुआ था और उसे देखकर सोचने लगता है वह कितना ज़्यादा क्यूट है और उसकी स्मेल वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी। बाहर आने के बाद लव माम का कॉल अटेंड करता है। माम लव से मिलना चाहता था। तो लव कहता है, मैं तुमसे नहीं मिल सकता क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। इस घर में बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल हैं, हम तो यहाँ पर फ़ोन यूज भी नहीं कर सकते। अगले दिन लव थार के रूम में क्लीनिंग करने के लिए आता है लेकिन जब वह देखता है कि रूम तो पूरा क्लीन है तो वह कहता है, मैं क्या करूँ, ये तो पूरा क्लीन है। और तभी थार की नज़र उस लॉकेट पर पड़ती है और वह उसे देखकर सोचने लगता है, क्या फेरी की इसको अनलॉक कर देगी? और तभी वहाँ पर थार आ जाता है और वह लव से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लव कहता है, वो मैं क्लीनिंग करने के लिए आया था और आपके कपड़े भी लेने आया था। थार कहता है, ओह तो तुम कपड़े लेने आए हो। फिर थार अपने टी शर्ट निकालता है और लव को दे देता है। लव उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है तो थार लव को रोकता है और फिर अपनी अंडरपैंट निकाल कर लव को दे देता है। लव थोड़ा सा फील करता है लेकिन फिर वह वहाँ से चला जाता है। और जब लव कपड़े सुखा रहा था तभी वहाँ पर थेप आ जाता है और थेप पर कपड़ों का पानी गिर जाता है। तो लव कहता है, मिस्टर क्या आप ठीक तो है? थेप कहते हैं, मैं ठीक हूँ। लव कहता है, आप यहाँ पर बटलर डोमेट्री में क्या कर रहे हैं? थेप कहता है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। लव कहता है, आप तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो आपको मेरा पुराना फ़ोन क्यों चाहिए? थेप कहता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है क्योंकि फ़ोन रखना इस घर के रूल के अगेंस्ट है, इसीलिए मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे दोगे? और यह कहकर थेप लव से रिक्वेस्ट करने लगता है। तो लव थेप को फ़ोन दे देता है और फिर उससे कहता है, मिस्टर थोड़ को कॉफ़ी देने का वक्त हो चुका है तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए
वो लव फिर वहाँ से एस्केप करके चला जाता है। नाइट में लव सोचने लगता है कि तीनों मास्टर के पास ही एक जैसे लॉक वाले नेकलेस है, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे उनमें से एक को अनलॉक करूँ, क्या मुझे उन्हें चुरा लेना चाहिए। हाँ, मुझे उन्हें चुराना ही होगा, लव यही सब सोच रहा था। तभी वह बेल के रिंग की आवाज़ सुनता है, तो वह जल्दी जल्दी तैयार होता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन लव काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था किस रूम से बेल की आवाज़ आ रही। तो वह थीप के रूम में जाता है। थीप लव को वहाँ देख कर कहता है, तुम अभी तक भी जगे हुए हो। लव कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया। थीप अपनी बेल की तरफ इशारा करके कहता है, नहीं देखो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम शायद किसी गलत रूम में आ गए। तो लव थीप को सॉरी कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर लव थार के रूम में आता है और वहाँ आते ही बेल की आवाज़ बंद हो जाती है। लेकिन फिर से लव को बेल की साउंड सुनाई देती है, तो वह वहाँ से जाने लगता है। और तभी थार सावर लेकर बाहर निकलता है और वह लव को रोकते हुए कहता है, तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। और यह कहकर वह लव के नज़दीक आने लगता है, तो लव दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है। थार लव से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात के वक्त मेरे रूम में आने की। लव कहता है, मुझे लगा कि आप मुझे बुला रहे हैं। थार लव के नज़दीक आता है और उसे कहता है, ओ डियर मैं सोने जा रहा हूँ, तो तुम जाओ और जाकर सो जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। और तभी उन दोनों को फिर से रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। तो थार कहता है कि थोर के रूम से आ रही है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लोअर और डीपर टोन है, और तुम्हें हमारी रिंग की आवाज़ का डिफरेंट कैसे नहीं पता, क्या तुम्हें बटलर सरोन ने नहीं सिखाया। लव कुछ नहीं बोलता और बस चुपचाप खड़ा रहता है। तो थार कहता है, क्या तुम कुछ बोलने वाले हो या नहीं, या ऐसे ही चुपचाप खड़े रहोगे। लव कहता है, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। थार लव से दूर हटता है और कहता है, तुम्हें थोड़ के रूम चले जाना चाहिए वरना वह तुमसे गुस्सा हो जाएगा। तो लव वहाँ से चला जाता है। और लव के जाने के बाद जहाँ पर लव खड़ा था, थार उस जगह पर लव की खुशबू को महसूस करने लगता है। लगता है थार को लव से प्यार हो ही गया है। लव फिर थोड़ के रूम आ जाता है। सिंह लव से कहता है, तुमने आने में बहुत ज़्यादा देर लगा दी, मैंने तुमसे कहा था ना अगर मिस्टर थोर के रूम से बेल की आवाज़ आए तो तुम्हें वहाँ पर 1 मिनट में हाजिर होना होगा, और तुमने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है। मैंने तुमसे कहा था ना जब तक कि मिस्टर थोर के रूम की लाइट्स बंद नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी यूनिफॉर्म नहीं बदल सकती। लव थोर से माफ़ी मांगता है। सिंह थोर से कहता है, कल मेरे जाने से पहले मैं इसको और भी बहुत ज़्यादा ट्रेन कर दूंगा। थोर सिंह से कहता है, ये तुम पर डिपेंड करता है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और अब तुम दोनों को जाकर सो जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। बाहर आने के बाद सिंह लव से कहता है, कल हो सका तो मैं अपनी भाई को लेकर आ जाऊँगा, और भूलना मत मैंने तुमसे अभी भी क्या कहा था। तो लव हाँ कहता है। और फिर लव काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था तो वह आकर सीढ़ियों में बैठ जाता है। थार लव को सीढ़ियों में बैठा हुआ देखकर उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम थक गए। लव कहता है, हाँ मैं थोड़ा बहुत थक गया। थार कहता है, तुम्हें एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और फिर थार लव के शोल्डर पर हाथ रखता है और उससे कहता है, कीप फाइटिंग माई बटलर। यह सुनकर लव खुश हो जाता है और वह थार को थैंक यू कहता है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।